2021 में ओबीसी प्रवर्ग की जाति निहाय जनगणना नहीं हुई तो सभी ओबीसी वर्ग ने जनगणना पर बहिष्कार करे, यह आह्वान विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले ने किया है। वे यवतमाल में सत्कार समारोह कार्यक्रम पर बोल रहे थे। यवतमाल में ओबीसी संगठनों ने रंगोली ग्राउंड पर नाना पटोले का विचारवंत तथा लेखक डॉक्टर आहस सालुंके के हाथों विधानसभा भवन की प्रतिमा भेंट देकर सत्कार किया। इस अवसर पर विधायक ख्वाजा बेग, पूर्व विधायक वामन राव कासावार, विजया धोटे, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष प्रफुल मानकर, विनोद पटोले, नाना भाऊ गाड़बैले, वसंत घुईखेड़कर, डॉक्टर दिलीप महाले, ज्ञानेश्वर गोरे, विलास काड़े, डॉक्टर टी सी राठौर, गजानन अहमदाबादकर, उमेश डांगे, स्वाति शेंडे आदि उपस्थित थे। पटोले ने कहा कि ओबीसी जाति निहाय जनगणना के बारे में विधि मंडल में प्रस्ताव मंजूर करने का मेरा अधिकार मैंने अदा किया है। लोकशाही में जनता का दबाव यह सबसे बड़ी ताकत होने से जनता ने जाति निहाय जनगणना नहीं हुई तो जनगणना का बहिष्कार करना चाहिए। जनता जो कहेगी वही सरकार को करना होगा, लेकिन अगर सरकार गलत काम करती है तो मैं राजदंड का इस्तेमाल कर जनता के हितों की भूमिका लूंगा। राज्य में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, आंध्र की तरह राज्य में भी कार्रवाई हो ऐसी जनभावना है। इसे लेकर मेरी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई और आगे कोई ऐसा कृत्य न करे ऐसा कानून दिखाई देगा। इस समय आमंत्रित प्रमुख नेता गणों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी। कार्यक्रम प्रस्तावित आयोजन महाराष्ट्र प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार ने किया। कार्यक्रम का संचालन और आभार विद्या चिंचोरे ने माना। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चंदुभाव चौधरी, उमेश इंगड़े, साहिबराव पवार, प्रदीप दंभारे, मिलिंद धुर्वे, अशोक भूतडा, राजेंद्र हेडवे, यशवंत इंगोले, विठल आड़े, हेमंत कुमार कांबड़े और अनेक संगठनों ने मेहनत की। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे। Thank you.